मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब वन राय, धरती सब कागद करो, गुरुगुण लिखा न जाए। अब गुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तबो पिता को लाज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, कणकण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संसवी परमन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साहि स्वामी जी महाराज तथा संतपंत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदरणीय कठौतिया से पधारे हुए स्वामी गंगा बाबा तथा हमारे आदरणीय दिनेश बाबा और हमारे शर्मा जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। जैसा कि विदित है कि आज हम लोग परम श्रद्धे हमारे परम प्रिय विवेक भगत जी के पिताजी श्री राम कुमार भगत जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इस सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग सम्मिलित हैं। देखिए, गुरु महाराज की असीम कृपा है, हम लोग तो विशेषाधिवेशन में सुपौल आए हुए थे, इनका फोन गया तब ये अनायास से प्रोग्राम बन गया है। अभी आप लोग ग्रंथ पाठ के माध्यम से सुन रहे थे वेद मंत्र। ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर्ज्योति निचाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान ने तीन बात बताए। क्या? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो ज्ञान की बात क्या बताए? बुद्धि योग करना चाहिए। बुद्धि योग मतलब सत्संग करना चाहिए। अरे सत्संग क्या है? सत किसको बोलते हैं? ईश्वर परमात्मा को सत बोलते हैं। सत में कोई परिवर्तन कभी नहीं हुआ है, नहीं होता है, नहीं होगा। सत एक रस रहता है, एक जैसा रहता है, जिसमें कभी बदलाव नहीं होता है। जिसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर नाशवान है, नहीं? हम लोगों का जन्म हुआ था शिशु के रूप में, छोटा बच्चा था, बिल्कुल शिशु। धीरे धीरे बड़े हुए, जवान हो गए, माल बच्चे भी हो गए, फिर वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, फिर शरीर भी छूट जाता है। तो शरीर नाशवान है। धन संपत्ति को भी अगर ले तो भी एक जैसा नहीं रहता है, वो भी नष्ट हो जाता है। रावण को कितनी संपत्ति थी? सोने की लंक समुद्र सिखाई, और जा रावण की खबर न पाई। कबीर साहब कहते हैं, क्या मांगूं कछु थिर न रहाई,
देखत नैन चलो जग जाई, एक लख पूत सवा लख नानती, जारा वन घर दियो न बाती। कबीर साहब कहते हैं, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, अगर जो संसारिक वस्तु मांगता हूँ तो रहने वाला नहीं है। तो ईश्वर से हमें क्या मांगना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी क्या मांगते हैं, देही सत्संग निज अंग, श्रीरंग भवभंग कारण शरण सुखारी। हे लक्ष्मीपति जी हमको क्या दे दीजिए, तो सत्संग दे दीजिए। देखिए बड़ी लंबी कथा है, शॉर्ट में कहता हूँ, समास में। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापिस लौटे, तो सिंहासन पर बैठाया गया भगवान श्री राम को, गुरु वशिष्ठ सम्मानपूर्वक भगवान श्री राम को सिंहासन पर बैठाते हैं। आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज आपको घटता बढ़ता है, आवाज बढ़ाइए। इधर बैठ जाइए, नहीं तो घटता बढ़ता है, यहीं बैठ जाइए आप, आपको बार बार उठना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। यहीं बैठ जाइए कबीर बाबू, यहीं बैठिए। हाँ मीडियम में रखिए, ठीक छोड़ दीजिए। तो भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ सिंहासन पर बैठाते हैं प्रजाजनों के सलाह से, उनके आदेश से बैठाते हैं। भगवान श्री राम बहुत उदास रहते थे, क्योंकि भगवान से भी पाप हो गया था, बहुत सारे निशाचरों का संहार करना पड़ा था, रावण कुंभकर्ण आदि का संहार करना पड़ा, तो पाप हो गया, तो उनका मन विचलित रहता था। तो गुरु वशिष्ठ ने सोचा कि एक सत्संग यज्ञ हो जाए, सत्संग यज्ञ एक हो जाए। तो बहुत बड़ा सत्संग यज्ञ का आयोजन किया गया। भगवान श्री राम ने प्रजाजनों को आदेश दिया, जिसमें लक्ष्मण जी और भरत जी से कहा कि देखो तुम दोनों भाई सत्संग का प्रबंध करो, और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, भगवान शंकर के पास भी, भगवान विष्णु के पास, ब्रह्मा जी महाराज, इंद्र के पास, बड़े बड़े राजा महाराजे और सभी प्रजाजनों को बुलाया उस सत्संग समारोह में। बतलाते हैं भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान है। अभी भगवान शंकर और पार्वती जी मैया का संवाद हमारे आदरणीय गंगा बाबा सुना रहे थे, आप लोग सुन रहे थे। बड़े ज्ञानी हैं भगवान शंकर, बड़े अनुभवी, और सबसे पुराने सत्संगी हमारे गुरु महाराज कहते थे, सबसे पुराने सत्संगी कौन है, तो भगवान शंकर सबसे पुराने सत्संगी। सतयुग में भी भगवान शंकर थे, त्रेता युग में भी भगवान शंकर थे, द्वापर में भी भगवान शंकर रहे, तभी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ वो जो है नृत्य करते थे वहां जाकर के, जब भगवान रास रचा रहे थे गोपेश्वर महादेव ने के रूप में वहां पहुंचे थे। तो बतलाते हैं भगवान शंकर को भी पता चला, माता पार्वती पूछती है, स्वामी
आकाश मार्ग से बहुत सारे देवी देवता जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि आवाज़ थोड़ा कम करिए, इसको लगता है हटाएं माइक को बहुत, इसीलिए तो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खैर सुनते रहिए। तो कहते हैं कि मालूम नहीं है पार्वती, भगवान श्री राम बहुत बड़ा सत्संग करवा रहे हैं और सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिए हैं, सभी वहां जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा। तो माता पार्वती कहते हमको भी ले चलिए। ठीक है चलो तुम भी। जब वहां जाते हैं तो वहां तो सत्संग का आयोजन चल रहा है, ऋषि मुनि संत महात्मा सब बैठे हैं, सत्संग चल रहा है जैसे यहाँ चल रहा है, और भोज भंडारा का भी आयोजन था। आप भोज भंडारा में क्या थे जानते हैं? दही चूड़ा चीनी। यहाँ तो कुछ और ही हमारे विवेक बाबू बनवा रहे हैं, लेकिन वहाँ दही चूड़ा चीनी। अब देखिए जिस रास्ते से भगवान शंकर आ रहे हैं अयोध्या होकर के, तो भगवान शंकर के मन में बात आ गई कि हमारे जो इष्ट हैं भगवान श्री राम अयोध्या के ही वासी हैं, अयोध्या में रहते हैं, हमारे गुरु भी हैं, तो क्यों नहीं इनका दर्शन कर ले, फिर सत्संग में चले जाएंगे। लेकिन भगवान शंकर बड़े ज्ञानी हैं, सोचते हैं मन में कि भगवान श्री राम हैं तो हमारे गुरु, लेकिन राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं और राजाओं को बहुत काम होता है। अगर उनका दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा तब तक हमारा सत्संग निकल जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए इष्ट का दर्शन हो या नहीं हो लेकिन सत्संग नहीं छूटना चाहिए। सत्संग नहीं छूटे, भगवान शंकर और माता पार्वती चले गए। जब वहां जाते हैं पंडाल में तो देखते हैं सत्संग चल रहा है। भगवान शंकर ब्राह्मण बन गए और माता पार्वती ब्राह्मणी, और जाकर बैठ गए सत्संग में, सुनने लगे। और वहां तो सत्संग हो रहा है, भोज भंडारा भी चल रहा है, लोग आ रहे हैं और भोज भंडारा करके जा रहे हैं। प्रबंध में कौन थे? भरतलाल जी और लक्ष्मण जी महाराज। अब दही चूड़ा चीनी परोसे जा रहे हैं, ये दोनों खाए जा रहे हैं भगवान शंकर और माता पार्वती। खाते खाते इतना खा रहे हैं कि पेट भरता नहीं है उनका, जानते हैं 20 कमरा चूड़ा खाली हो गया, सैकड़ों मन दही खत्म हो गया, अब भंडार खाली होने वाला है। अब भरत जी और लक्ष्मण जी घबरा गए कि कितना खा रहे हैं। जब स्टॉक समाप्त होने लगा तो घबरा गए और कहाँ चले गए? भगवान श्री राम के पास। सिंहासन पर बैठे हैं प्रभु श्री राम, बड़े उदास हैं भरत जी और लक्ष्मण जी। प्रभु श्री राम पूछते हैं, भैया भरत क्या बात है? लक्ष्मण तुम दोनों यहाँ गए, मैंने सत्संग का प्रबंध करने के लिए भेजा था। हाथ जोड़ करके भरत जी कहते हैं, भैया एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए हैं, अब इतना खा रहे हैं वो कि सब चूड़ा का स्टॉक और दही का स्टॉक खत्म हो गया है, अब प्रतिष्ठा चली जाएगी, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। भगवान श्री राम कहते ठीक है मैं चलता हूँ। भगवान श्री राम आगे आगे और लक्ष्मण और भरत जी पीछे पीछे जा रहे हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं पहचान गए भगवान श्री राम किनको? भगवान शंकर को। ये तो भगवान शंकर और हमारी माता पार्वती। भगवान श्री राम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं
तो भगवान राम तो पहचान गए कि भगवान शंकर और पार्वती, तो ये प्रणाम करना चाहे कौन, भगवान राम। तो भगवान शंकर क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं। भगवान राम कहते, प्रभु आप भी हद कर दिए, आप भी हद कर दिए, बेस छिपा कर क्या है। भगवान शंकर कहते हैं, आपका भोज भंडारा, आपका सत्संग से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान श्री राम क्या कहते हैं, देही सत्संग निजंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सुखारी, हे प्रभु हमको सत्संग दे दीजिए। देखिए, देने वाले भगवान शंकर और मांगने वाला भी कोई कम नहीं, भगवान श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक तरफ से तो भगवान शंकर के गुरु कौन हैं, तो भगवान श्री राम। और जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने लगे, तो वहाँ पर भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजा की है कौन, भगवान श्री राम ने, रामेश्वरम में शिवलिंग बनाए, पूजा की। हरि अनंत हरि कथा अनंता, एक तरफ तो देखिए भगवान श्री राम के गुरु भगवान शंकर और भगवान शंकर के गुरु श्री राम। मांगते हैं क्या, कहते हैं वरदान मांगते हैं कौन, भगवान राम। कहते हैं, प्रभु हमको सत्संग दीजिए जो आपका निजंग है। देने वाले भगवान शंकर और मांगने वाले भगवान श्री राम, बहुत लंबा लिस्ट तैयार कर सकते थे, दुनिया का हर पदार्थ मांग सकते थे, लेकिन कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा, सत्संग दे दीजिए, सत परमात्मा, और उस परमात्मा का संग करना सत्संग है ना, हमें क्या दे दीजिए, सत्संग दे दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं, तथास्तु, मैं आपको सत्संग दिया। और यह है क्या, निज अंग कहते हैं, निज मने अपना, सत्संग जो है ईश्वर का निज अंग है, अपना अंग है। जैसे कान है, आंख है, नाक है, इस हमारा अंग है कि उधार पैचा है, बोलिए, अपना अंग है, किसी दूसरे का तो नहीं है, अपना अंग है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सत्संग पकड़ते हैं तो डायरेक्ट परमात्मा पकड़े जाते हैं, ईश्वर पकड़े जाते हैं, न ईश्वर के संग में हम बैठे हुए हैं। तीन तरह से सत्संग करते हैं, सत का संग करना तो बहुत कठिन है, ईश्वर का संग करना बहुत कठिन है ना, लेकिन ईश्वर नहीं हो तो संत का संग हम करते हैं। लेकिन अभी संत भी नहीं है, कबीर साहब गुरु नानक साहब नहीं है, हमारे गुरु महाराज तो हैं। अथवा गुरु महाराज भी अगर शरीर में नहीं है, सूक्ष्म रूप में तो है, अगर वो भी नहीं मानते हैं तो कम से कम गुरु महाराज की वाणी तो है, सत्संग जो का पाठ हुआ है, गुरु महाराज की वाणी पदावली से पाठ हुआ है, तो संत की जो वाणी है वो भी तीसरा कोटि का सत्संग है, वो भी तीसरा कोटि का सत्संग है। तो पहला कोटि का सत्संग ईश्वर का संग, दूसरा कोटि का सत्संग संत का संग, और तीसरा कोटि का सत्संग संत वाणी का संग, संतों की वाणी का संग करना भी तीसरा कोटि का सत्संग हो जाता है। तो सत्संग से बड़ा लाभ होता है। अभी सुन रहे थे हमारे स्वामी गंगा बाबा, स्वामी दिनेश बाबा और हमारे शर्मा बाबा से, बहुत अच्छी अच्छी बात सुन रहे थे, बड़ी महिमा है सत्संग की। क्या महिमा है, वो स्वामी जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कंग अतुल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग के सुख को एक पलड़ा पर रखा जाए और सत्संग के एक पल के सुख को एक दूसरा पलड़ा पर रखा जाए तो सत्संग का पलड़ा भारी हो जाता है। सत्संग की कितनी महिमा है। और सठ सुधर ही सत्संगति पाई, गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्संग से ही दुनिया का सुधार हुआ है, होता है और होगा। सठ सुधर ही सत्संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई, सठ से सठ आदमी भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। कौन सुधर गया, बाल्मीकि हैं, डाकू थे,
रत्नाकर डाकू नाम था उनका पहले। लेकिन देवर्षि नारद का सत्संग उनको मिल गया, संग मिल गया, तो साधु बन गए। देवर्षि नारद दासी पुत्र थे, सत्संग करते करते देवर्षि हो गए। घटजोनी अगस्त मुनि को घटजोनी कहा गया है। अगस्त मुनि की उत्पत्ति घड़ा से हुआ था, इसलिए उनको घटजोनी कहते हैं। और ऐसी सिद्धि प्राप्त की तपस्या करके कि समुद्र को एक चूल्हे में पी गए, ऐसे अगस्त मुनि। तो 60 से 60 व्यक्ति भी अंगुलीमाल का सुधार कर दिया भगवान बुद्ध ने। कितना खूंखार डाकू था अंगुलीमाल। 1000 लोगों को मार करके अंगुली बना करके माला पहनने का उसका व्रत था। 1000 लोगों को मारूंगा, बहुतों को मार दिया था। राजा प्रसेनजीत बड़े दुखी थे, उस समय भगवान बुद्ध का काल था। बतलाते हैं भगवान बुद्ध प्रवेश किए उसमें जंगल में, मना किया कि महाराज नहीं जाइए, बड़ा खूंखार डाकू है। भगवान बुद्ध ने कहा कुछ नहीं होगा, जाने दो। अब भगवान बुद्ध को देखा अंगुलीमाल, कटार लेकर के दौड़ा, अंगुली की माला पहने हुए। भगवान बुद्ध धीरे धीरे चल रहे हैं। भगवान बुद्ध की नज़र नीचे है, देखिए संत महात्मा की नज़र धरती पर रहती है, नीचे की तरफ। क्यों? कोई जीव जंतु दबकर मर न जाए, और वो सदा नाम सुमरण करते रहते हैं, किसी पर गलत दृष्टि न चली जाए। इसलिए संत महात्मा जब चलते हैं तो उनकी नज़र धरती पर होता है। भगवान बुद्ध धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन अंगुलीमाल पकड़ नहीं पा रहा है। बोले ठहर जा ठहर जा। भगवान बुद्ध तो भजन करते जा रहे हैं, आवाज़ जब सुने तो पीछे मुड़कर देखे कि अंगुलीमाल कोई दौड़ा आ रहा है। भगवान बुद्ध जब नज़दीक में आ गया तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा। भगवान बुद्ध की वाणी का जादू सा असर हुआ। बोला महाराज आपकी बात मैं नहीं समझ पाया, क्या कहते हैं। बोला अरे मैं तो सारा पाप को छोड़ करके धर्म में ठहर गया, स्थिर हो गया, लेकिन अभी तक तो जो पाप कर रहा है, इतने लोगों की हिंसा कर रहा है, मार रहा है, लूट रहा है, इसको कब छोड़ेगा तू। कटार फेंक दिया, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। भगवान बुद्ध ने उसे उठा लिया, भगवान बुद्ध उसको सन्यासी बना लिया, लाल कपड़ा पहना दिया, गैरिक वस्त्र, और अपना भिक्षा पात्र दे दिया, भिक्षा मंगवाया। राजा प्रसेनजीत के पास गए, भिक्षा मंगवाया। बोला महाराज ये नया भिक्षु कौन है। बोला तुम किससे त्रस्त हो। बोला अंगुलीमाल से। बोला अंगुलीमाल ही आ गया। देखिए तो ऐसे संत महात्मा होते हैं जो दुष्ट को भी सुधारने का काम करते हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है सत्संग। भगवान शंकर उस धरती को प्रणाम करते हैं। एक बार भगवान शंकर जा रहे थे। भगवान शंकर की सवारी क्या है? बसहा बैल, बसहा बैल पर जा रहे हैं। एक जगह भगवान शंकर बैल से उतर जाते हैं और धरती मैया को प्रणाम करते हैं। तो माता पार्वती पूछते प्रभु किसको प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि यहाँ सत्संग हुआ था। किसने सत्संग किया था? तो सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार ने सत्संग किया था। सत्संग के प्रभाव से धरती पवित्र हो गई है, इसलिए धरती को प्रणाम किया। एक जगह फिर भगवान शंकर उतर गए, बोले यहाँ प्रणाम क्यों किए। बोले यहाँ सत्संग होने वाला है। देखिए जहाँ सत्संग होने वाला है वो स्थान भी इतना पूज्य है कि भगवान शंकर उस धरती को प्रणाम कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु। इतना ही लोग हैं इस शहर में, इतना ही लोग हैं, बहुत लोग हैं लेकिन सब आए हैं। घर के लोग भी नहीं आए हैं सब, जिस पर प्रभु की कृपा नहीं है, और आए भी हैं तो सुन नहीं रहे हैं, कुछ और काम में लगे हुए हैं।
बैंगन के दुकान में, सब्जी की दुकान में बड़ी भीड़ रहती है, और हीरा सोना की दुकान में बड़ी कम भीड़ रहती है। और वहाँ अगर पहुँच भी गए तो पूंजी रहेगा तो वहाँ पहुँचेंगे, पूंजी ही नहीं है। सत्संग का पूंजी चाहिए, तब सत्संग में आकर के आप सत्संग की बात सुनेंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा असंगत साधु के, हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु के, आठो पहर उपाधि। अब साधु की संगति क्या है और असाधु की संगति क्या है, एक दृष्टांत देता हूं। पुराने जमाने की बात है, एक महात्मा भिक्षा मांगते मांगते एक राजा के राज्य में पहुंच गए। वो राजा बड़ा कंजूस था, बड़ा कट्टर था, किसी को कुछ देता नहीं था। ये महात्मा बड़ा दिव्य था, बड़ा तेजस्वी था, तो महात्मा का दर्शन करते ही उसका मन बदल गया और अपने द्वारपाल से कहा कि महात्मा को भिक्षा दे दो। द्वारपाल ने महात्मा को भिक्षा, दो चार डब्बू चावल और रोटी सब्जी दाल दे दिया, महात्मा ले लिए। तो महात्मा ने बड़ा गौर से देखा राजा को, उन्होंने कहा कि महाराज अब शाम का समय हो गया, अगर आपका आदेश हो तो रात में ठहर जाऊं, रात में कहाँ जाऊंगा। तो राजा ने कहा ठीक है महात्मा जी, ठहर जाइए, बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं, एक कमरा में आसन लगा लीजिए। तो महात्मा जी ने कमरा में अपना आसन जमा लिया, रात में भजन किए, भोजन किए, विश्राम किए, ब्रह्ममुहूर्त में फिर जग गए, अपना स्नान आदि करके फिर अपना भजन में लग गए महात्मा जी। अब सोचे चलना चाहिए, तो राजा साहब से आदेश लेना चाहिए। राजा साहब के पास गए, कहा राजन अब मैं जाना चाहता हूँ, आदेश दीजिए। तो कहा कि महाराज आप आए हैं तो हमारा राजपाट देख लीजिए, हमारा खजाना देख लीजिए। तो खजाना दिखाने गया तो 5,000 ऊंट पर राजा की केवल चाबी, तिजोरी की चाबी चलती थी। बताइए 5,000 ऊंट के ऊपर केवल राजा की तिजोरी की चाबी, अब कितनी तिजोरियां होगी, कितनी संपत्ति होगी, कितना धन होगा। लेकिन महात्मा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि महात्मा भी पहले राजा ही था। राजा को देख करके कोई आश्चर्य नहीं होता है, राजाओं के पास तो धन होता ही। बगीचा दिखाया, यज्ञशाला दिखाया, नृत्यशाला दिखाया, सब कुछ देख लिया। तो बोला राजन अब हम जाना चाहते हैं, आदेश दीजिए। महात्मा ने कहा कि राजन हमसे तुम कुछ मांग लो। तो राजन ने सोचा कि इससे हम क्या मांगे, बोले ये पकड़ हम तुमसे क्या मांगे भाई, तू तो पकड़ है, खाने को रोटी नहीं मिलता तो तुमको हमको देते हैं, पहनने को कपड़ा नहीं तो कपड़ा हम ही देते हैं, हमारे घर में रहा है रात में हमारे राज्य में, तू हमको भला क्या दे सकता है। महात्मा के चेहरा पर एक गंभीरता थी, तेज था। महात्मा ने कहा राजन मैं सत्य कहता हूं, तू कुछ हमसे मांग ले। बोला जा तुमसे हम क्या मांगेंगे। आया मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक, महात्मा चल दिया। पुराने समय में एक राजा दूसरा राजा पर चढ़ाई करता था, एक दूसरा राजा पहले वाला राजा पर चढ़ाई कर दिया। उस राजा का नाम जानते क्या था, पहले वाला राजा का कारून शाह, क्या नाम था, कारून शाह, कारू बादशाह उसको कहते थे लोग। उसको अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, उसका राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, उसके हाथ में हथकड़ी और पैर में बोड़ी ठोक दिया, कारागार में बंद कर दिया।
15 दिन के बाद राजा ने अपने सैनिकों से कहा, मेरे सैनिकों एक बहुत बड़ी चिता बनाओ। एक बहुत बड़ी चिता बनाएगी, बोले चिता को जलाओ। चिता को जलाया गया। जब चिता जल गया तो कहा कि अब वो राजा को लाओ पकड़ करके। वो कारू बादशाह को लाया गया चिता के पास, उसका हथकड़ी खोल दिया गया, बीड़ी खोल दिया गया। अब उसको चिता में जिंदा बोला, उसको झोंक दो। अब वो थर थर काँपने लगा। कारून साहब सोचता है, अब तक तो हमारा राजपाट गया था, अब तक तो अपनी पत्नी से हाथ धोना पड़ा, बेटा बेटी से हाथ धोना पड़ा, धन दौलत से हाथ धोना पड़ा, अब जीवन बचा हुआ था, वो जीवन भी जा रहा है। अपने गुरु का नाम लेने लगा। उसका गुरु का नाम था सोलन। क्या नाम था? सोलन। वो बोलता है, सोलन बचाओ, सोलन बचाओ, सोलन बचाओ। बोलता, अरे किसका नाम तू ले रहा है? सोलन कौन है तुम्हारा? बोला, सोलन तो हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमारा संत सदगुरु है। मैंने उनसे दीक्षा लिया है, वो हमारे सदगुरु हैं। राजा की दृष्टि बदल गई। राजा ने कहा कि सोलन तुम्हारे गुरु हैं तो हमारे भी सदगुरु हैं। ये मेरे सैनिकों, इसको चिता पर मत झोंको, चिता में मत झोंको, इसका राज्य वापिस कर दो, इसके गले में फूल की माला पहनाओ, इसकी आरती उतारो, रथ पर बैठा करके इसके राज्य में इस रानी के पास पहुंचा दो। देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीरा असंगत साधु के हरे और की व्याधि, असंगत बुरी असाधु के आठो पहर साधु की संगति किया, प्राण भी बच गए, राजपाट भी मिल गया। कबीर साहब कहते हैं, यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तट से। कबीर साहब कहते हैं, मैं चोरों की नगरी में आ गया, तो कौन ऐसा नगर होगा जिसमें सब चोरी होगा? होगा, एक दो भी बढ़िया आदमी तो होगा, लेकिन कौन नगरी की बात कर रहे हैं कबीर साहब, कि मैं चोर की नगरी में आ गया हूँ, कि सत्संग के बिना मेरा दिल तरसता है। ये मानव का शरीर वो नगरी है, इसमें एक चोर नहीं, 25 चोर रहते, बचे 25 तो चोर, 25 चोर रहते हैं, 25 प्रकृति है, 25 चोर हैं। और चोर का सरदार मन है। मन क्या है? सबका सरदार है, मन ही सब कुछ करवाता है। मन ए मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का भी कारण है। आप कहेंगे, महाराज मन बंधन भी देता है, मन मुक्ति भी देता है। हाँ देता है। आपके घर में एक सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी जिसको निशेनी बोलते हैं, उस सीढ़ी को अगर दीवार से लगा देंगे तो छत पर चले जाएंगे ना, और वही सीढ़ी को उठा करके कुआं में लगा देंगे, कुआं से लगा देंगे तो कुआं में चले जाएंगे कि नहीं? तो सीढ़ी एक, काम दो, मन एक और काम दो, है ना। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष, मन बंधन भी देता है और मन मुक्ति भी देता है। सत्संग में लगा हुआ मन हमारा मित्र है, और कुसंग में लगा हुआ हमारा मन हमारा शत्रु है। इसलिए सत्संग कीजिए, सत्संग करिए। कहेंगे सत्संग क्यों करेंगे जी, सत्संग से क्या मिलेगा? गुरु महाराज से एक राजेंद्र बाबू थे, गोड्डा जिला की बात है, गोड्डा जिला। तो राजेंद्र बाबू सत्संगी नहीं बने थे, लेकिन गुरु महाराज को जानते थे। तो गुरु महाराज तो सत्संग करने जा रहे थे, तो राजेंद्र बाबू से मुलाकात हो गई। बोला, राजेंद्र बाबू गुरु महाराज को देखते हैं। राजेंद्र बाबू कहते, चलो सत्संग करने के लिए। तो राजेंद्र बाबू कहते, गुरुदेव सत्संग से क्या मिलेगा, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, खेती जोती का काम करते हैं,
अगहन का महीना है, धन कटनी है, धान कटने जा रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा चलो ना सत्संग में, तो सत्संग से क्या मिलेगा, सत्संग से हमको विशेष क्या मिलेगा जो सत्संग में जाए, सत्संग से क्या मिलता है। तो गुरु महाराज ने कहा राजेंद्र बाबू आप पूछते हैं सत्संग से क्या मिलता है, आप कहते हैं सत्संग से क्या मिलता है, सत्संग से सब कुछ मिलता है, सत्संग से सब कुछ मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहें जतन जहां ते पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हम वेदना आन उपाऊ। मति मने सुबुद्धि, सत्संग से सुबुद्धि मिलती है, सुबुद्धि बाजार में मिलता है। लोग कहते हैं ना बाबा हमारा बेटा जुआ खेलता है, बाबा हमारा बेटा दारू पीता है, बाबा हमारा बेटा हमको मारता है, मारेगा नहीं, आपने सत्संग उसको दिया नहीं दिया, सत्संग वो बेटा मारेगा, दारू भी पिएगा, आपकी सेवा कभी नहीं करेगा। इसलिए आप भी सत्संग में आइए और अपने बेटा बेटी को भी सत्संग में लाइए, आपका बेटा बेटी आपसे ज़्यादा सत्संग समझेगा, क्योंकि उसका हृदय पवित्र है, उसका हृदय क्या है, पवित्र है, तब वो आपकी सेवा भी करेगा। सुंदर बुद्धि मिलेगी, सुबुद्धि मिलेगी, सत्संग कीजिएगा तो कीरति आपका जस फैल जाएगा दुनिया में। एक गरीब सत्संगी है, फटा पुराना कपड़ा पहने हुआ है, लेकिन लोग उसको बोलते हैं राम राम भगत जी राम राम। देखिए उसके पास धन नहीं है, बढ़िया घर नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन भजन करता है, सत्संग करता है, इसलिए उसको भगत जी कहते हैं और राम राम बोलते हैं। आपकी कृति दुनिया में फैल जाएगी। गति, मरने पर आपकी सदगति होगी, आपकी दुर्गति नहीं होगी। नहीं तो जो सत्संग नहीं करता है, कुसंग करता है, उसकी तो दुर्गति ही होती है ना, दुर्गति होती है। बहुत ही भलाई, धन दौलत मिलेगा, वो व्यक्ति शीलवान हो जाएगा, चरित्रवान हो जाएगा, है ना। इसलिए सत्संग करना चाहिए। खत्म कर रहा हूं। बाबा गोरखनाथ जी महाराज नेपाल गए थे, कहाँ गए थे, नेपाल। बहुत अच्छे तपस्वी महात्मा हुए हैं बाबा गोरखनाथ जी महाराज। हमारे गुरु महाराज ने सत्संग जो के दूसरे भाग में सबसे पहले बाबा गोरखनाथ की वाणी लिखा है, बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर कैसा, अगगन शिखर में बालक बोलही, बाका नाम धरोगे कैसा, है ना। प्रथम वाणी बाबा गोरखनाथ की वाणी है सत्संग जो के दूसरे भाग में। गोरखनाथ जी महाराज जा रहे थे और नेपाल का जो नरेश है राजा रानी दरवाजे पर खड़े थे। बाबा गोरखनाथ को देखा, देखिए संत जो है देखने में भी बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े सभ्य लगते हैं। जा रहे हैं बाबा गोरखनाथ, छोटा छोटा दो पिल्ला कुत्ता जो है ना, बिलायती कुत्ता, वो जीव निकाले हुए दौड़ा जा रहा था। तो बाबा गोरखनाथ को देख करके प्रणाम करने का मन में हुआ राजा रानी को कि प्रणाम करेंगे, लेकिन गोरखनाथ जी बहुत तेजी से चल रहे थे, आगे निकल गए। बहुत दूर जा करके जब वापिस लौटे तो राजा रानी खड़े ही रहे वहाँ, बाबा गोरखनाथ को जाकर प्रणाम करते हैं, गोरखनाथ जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, पूछते हैं आप कौन हैं, तो हम यहाँ के राजा हैं। राजा रानी, अच्छा तो महाराज जी हमारे पिताजी का पुण्यतिथि है, आप सत्संग कर दीजिए। बाबा गोरखनाथ ने कहा ठीक है हम सत्संग कर देंगे, सत्संग की तैयारी करके रखना। राजा साहब ने सत्संग की तैयारी कर लिया, बाबा गोरखनाथ आ गए, सत्संग हो गया। जब सत्संग हो गया
तो वो राजा के दो बेटा था, उनकी बहू भी थी। तो बाबा गोरखनाथ से पूछा कि महाराज जी हमारे पिताजी मर के कहाँ गए हैं बता दीजिए। तो गोरखनाथ ने कहा ये सब जान करके क्या करेगा तू, ये सब बात पूछने का नहीं है। बोला नहीं बाबा बताएं दीजिए, आप तो बहुत ऊँचे संत हैं, संत से कोई बात छिपी नहीं रहती है, आप बतला दीजिए। तो राजा साहब खरगोश पालते थे, छोटा छोटा खरगोश उछल रहा था वहाँ। तो बाबा गोरखनाथ जी महाराज ठीक है मैं तुमको बता देता हूँ। बोला वो जो सफ़ेद और खरगोश है ना, सफ़ेद और चितकबरा, दोनों को पकड़ के लाओ। उसको पकड़ के लाया गोरखनाथ जी का, एक तिनका लाओ, एक तिनका लाया। बोला इसके कान पर रखो, इसे पूछो कि तुम कौन हो। तो तिनका उसके कान पर रखा, खरगोश को पूछा आप कौन हैं, तो बोलता है मैं तुम्हारा पिताजी हूँ मोहन दास, मैं तुम्हारे पिताजी मोहन दास हूँ, मैं मर करके खरगोश जोनी में चला गया हूँ। और जो सफ़ेद खरगोश था उससे पूछा तुम कौन हो, तो बोलता है मैं राधा बाई हूँ तुम्हारी माता। देखो कहमा से जिबाइल, कबीर साहब कहते हैं कहमा से जिबाइल और कहमा समाइल हो, निर्गुण से हंस आइल और सरगुण समाइल हो। अगर बढ़िया कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे तो देवी देवता भी बन सकते हैं ना, अगर उससे भी बढ़िया कर्म करेंगे तो मनुष्य जोनी भी जा सकते हैं। भजन करके आप ईश्वर परमात्मा को जान सकते हैं, है ना, ये सत्संग से बड़ा लाभ होता है। सत्संग सबको करना चाहिए, सत्संग से जीव का परम कल्याण होता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तज न चाहिए। पांच पाप को छोड़िए, संसार में रहिए और त्रैकाल संध्या कीजिए, ब्रह्मूर्त में ध्यान करिए, अपराह्न काल में ध्यान करिए, सायंकाल ध्यान कीजिए, चलते फिरते मानस जप कीजिए, तो जीव का क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। कहने की बहुत बात है। आज हम श्रद्धेय श्री विवेक भगत जी के जो पिताजी हैं, इनके माताजी का नाम श्रीमती नीलम भगत है, ये बड़े संस्कारी है। हाँ वैसे तो इनके पूरे परिवार में सब सत्संगी हैं, सब संस्कारी हैं, लेकिन इनके माताजी बड़े संस्कारी, बहुत संस्कार है। वो सत्संग का आयोजन करवाई है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री राम कुमार भगत जी जो स्वर्गवासी हो गए हैं, गुरु महाराज अपने श्री चरणों में जगह दें, उनकी आत्मा को सुख शांति मिले, और इनके जो सुपुत्र हैं ये भी सत्संग भजन करते हुए अपना जीवन बितावे। मैं गुरु महाराज से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, जितने भी सत्संगी भाई माता बहने आए हैं सबके लिए गुरु महाराज से हम मंगल कामना करते हैं। सब सत्संग करें, ईश्वर की भक्ति करें, सबका कल्याण हो, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।